तो क्या बिना मैग्नेटिक फोर्स के हमारी पृथ्वी समाप्त हो जाएगी? क्या हम बहुत बड़ी समस्या में पड़ने वाले हैं? इन सारी चीजों की जानकारी, जो वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी की बदलने के कारण हो रही है, इसमें आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, हाल ही में हुए एक वैज्ञानिक सर्वे के अनुसार हमारी जो पृथ्वी है, इसका जो मैग्नेटिक फोर्स है, इसके पावर में दोस्तों बहुत ज्यादा कमी हो रही है। दोस्तों, इसका नुकसान हमें और इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को बहुत ज्यादा हो सकता है। दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो वैज्ञानिकों की रिसर्च में सामने आया है कि किस तरीके से मैग्नेटिक फोर्स कम हो रहा है, ये मैग्नेटिक फोर्स होता क्या है और ये हमारे लिए किस तरीके से लाभदायक है और हमारे जीवन में कितना जरूरी है। दोस्तों तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक जो हाल ही में रिसर्च और स्टडी बड़े बड़े वैज्ञानिकों के द्वारा सामने आई है, उसमें ये कहा गया है कि पिछले 200 वर्षों में जो हमारी पृथ्वी है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स है, इसके अंतर्गत 9% की लगभग कमी आई है दोस्तों। और जो इसके पोल्स है, यानी कि साउथ पोल और आपके नॉर्थ पोल, वो भी एक दूसरे से चेंज होने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और जो इनके चेंज होने की दिशा है, वो लगभग 20 किलोमीटर पर ईयर पश्चिम की तरफ जा रही है। दोस्तों, कहने का मतलब ये कनाडा से साइबेरिया की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं। दोस्तों तो दोस्तों अगर आप इन सब चीजों पे गौर करें और अगर देखें कि इन चीजों का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको उसकी पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों तो दोस्तों सबसे पहले तो जान लेते हैं कि हमारा जो ये मैग्नेटिक फोर्स होता है पृथ्वी का, ये होता क्या है। दोस्तों दोस्तों आप सभी जानते हैं हमारी पृथ्वी का जो केंद्र है, जिन्हें हम कोर भी कहते हैं, इंटरनल प्लेट यानी कि इंटर ऑफ अर्थ अगर जिन्हें मैं कहूं, जो जिस जगह हम खड़े हैं उससे लगभग 3000 किलोमीटर नीचे जाके चालू होता है। दोस्तों वहां पे क्या है दोस्तों, लोहा, मेटल, मेटलर हम जिसे कहते हैं, निकल आदि, इनका एक उबलता हुआ लावा और एक बहुत बड़ा गोला है। दोस्तों एक हम महासागर कहते हैं, कह सकते हैं लोहे का, उबलते हुए लोहे का महासागर है। दोस्तों जब ये पृथ्वी घूमती है दोस्तों, तो वो भी इसके साथ साथ घूमता है। और जब आप जानते हैं कोई भी मेटल की चीज चुंबकीय क्षेत्र में या किसी भी कारण घूमती है, तो वो एक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट करती है। दोस्तों हमने जब 10वीं 11वीं 12वीं में इलेक्ट्रिकल पढ़ा था, तो उसके अंतर्गत ये चीजें हमें बड़ी ही आसानी के साथ सिखाई जाती है दोस्तों, किस तरीके से मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है दोस्तों, ये मैग्नेटिक फोर्स पूरी पृथ्वी के चारों ओर दो दिशाओं में जनरेट होता है, जो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ चलता है। दोस्तों इससे क्या होता है, इससे ये होता है दोस्तों कि हमारे जितने भी उपकरण हैं, चाहे वो हमारा मोबाइल फोन हो, चाहे हमारी सैटेलाइट हो, चाहे किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स पे वर्क करते हैं दोस्तों, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स पे वर्क करने वाले जितने भी आप लोगों के डिवाइस हैं, वो डिवाइस लगभग लगभग इसी की वजह से काम कर पाते हैं। दोस्तों मान लो आपके फोन में अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट डिवाइस फोर्स को ही खत्म कर दिया जाए, तो इसकी जो टेली कम्युनिकेशन की पावर है, जो ये मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक तरंग जो ये छोड़ता है, वो कहीं भी पहुंच नहीं पाएगी उसकी सहायता के बिना, और आप किसी भी प्रकार का इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि आपके जो पक्षी होते हैं दोस्तों, इनके दिमाग में, यानी कि अगर बात करें तो ये मैग्नेटिक फोर्स को पढ़ते हैं और समझते हैं, और उसी के अनुसार इनको दिशाओं का ज्ञान होता है। दोस्तों तो इसके कारण भी इसका बहुत बड़ा उपयोग है। और तीसरा और सबसे बड़ा उपयोग हमारी जीवन शैली में अगर इसका कोई है दोस्तों, तो वो है ये हमारे लिए सूरज से आने वाले चार्जिंग पार्टिकल्स, कहने का मतलब हानिकारक खतरनाक विकिरणें जो सूरज से पृथ्वी की ओर आती है, वो इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से पृथ्वी में प्रवेश नहीं कर पाती है। दोस्तों तो इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जब ये पृथ्वी में प्रवेश नहीं कर पाती है, तो हमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, जैसे कि हमें कैंसर हो सकता है, हमारी जीवन शैली में परिवर्तन आ सकता है, हो सकता है पृथ्वी पे बहुत अजीब अजीब परिवर्तन आप लोगों को देखने को मिले, बहुत गंभीर समस्याओं का सामना हम लोगों को करने को मिले। तो ये सारी चीजें इस मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। दोस्तों दोस्तों अब ये चेंज क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है, दोस्तों इसके अध्ययन के लिए वैज्ञानिक काफी लंबे समय से जुटे हुए हैं और अभी भी उन्हें किसी प्रकार की कोई सहायता हाथ नहीं लग रही है। दोस्तों तो हमारी जीवन शैली पे इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, दोस्तों हमारी जीवन शैली पे इसका ये प्रभाव पड़ सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, उसकी वजह से ही हमारी सारी सैटेलाइट्स काम करती है, हमारे मोबाइल नेटवर्क काम करते हैं, हमारी पृथ्वी का आधे से ज्यादा हिस्सा जिसकी वजह से हम बड़ी आसानी के साथ पृथ्वी पर रह रहे हैं, उन तमाम चीजों में गड़बड़ हो जाएगी। दोस्तों इसके नॉर्थ पोल साउथ पोल है वो चेंज होने लगे हैं, उसकी वजह से पक्षियों को दिशाओं का ज्ञान होने में भी बहुत बड़ी समस्या होगी। आप लोग देखते हैं जो प्रवासी पक्षी है, वो एक जगह से दूसरी जगह मौसम बदलने पर अपने आप को
स्थानांतरित करते हैं दोस्तों। जब दिशाओं का ज्ञान ही अगर उनको कंफ्यूजेबल होगा तो वो उस तरीके से दिशाओं का ज्ञान नहीं कर पाएंगे, और ये बहुत बड़ी त्रासदी हमें हमारी पृथ्वी पर देखने को मिलेगी। हालांकि ऐसा नहीं है, अभी कुछ जगह पे हुई इसका बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिला है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो अमेरिका और अफ्रीका के बीच में, अमेरिका और अफ्रीका के बीच में जिसे हम साउथ एनालिटिका एनोलेमी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, उसके अंदर इसका प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और इसी कारण उस क्षेत्र में अब कोई भी सैटेलाइट काम नहीं कर पाती है दोस्तों, क्योंकि वहां का जो मैग्नेटिक फोर्स है वो लगभग लगभग समाप्त होने की ओर है दोस्तों। दोस्तों एक और चीज इस वैज्ञानिकों के सामने इसमें सबसे बड़ी जो निकल कर आ रही है, वो सबसे बड़ी समस्या इन वैज्ञानिकों के सामने ये आ रही है कि कहीं पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फोर्स है वो फ्लिप तो नहीं हो रहा। फ्लिप होने से तात्पर्य है दोस्तों कि लगभग 2.5 लाख वर्षों में ऐसा होता है कि पृथ्वी के जो दोनों पोल्स हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है, वो एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं। कहीं ये उसी की शुरुआत तो नहीं जो मैग्नेटिक फोर्स बदल के इधर से उधर चेंज हो रहा हो। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने इस मत को पूर्ण रूप से खारिज कर दिया है, क्योंकि इसमें अभी काफी लंबा समय बाकी है दोस्तों। तो हम इस चीज के लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस चीज में करने के लिए हमारे पास ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस हम आशा ही कर सकते हैं कि इस तरीके की गड़बड़ पृथ्वी में बहुत तेजी से ना हो, नहीं तो हो सकता है कि हमें